हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और उठ चुके होंगे और मॉर्निंग की शुरुआत आपके भी अच्छे से हो चुकी होगी। तो दोस्तों, सबको गुड मॉर्निंग और आज का एक सुहाना और एक नया दिन शुरू हो रहा है, तो हैव अ नाइस डे। तो देखिए दोस्तों, हम व्लॉग की शुरुआत हो चुकी हैं और आप सब फटाफट से व्लॉग को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और अब मैं घमू एक बार फिर से आप सबका घमू राजस्थानी इस चैनल पर वेलकम करती हूँ, तो आपका मोस्ट वेलकम है। और दिन की शुरुआत के साथ साथ ब्लॉग की भी शुरुआत हुई है। अभी मैं फटाफट से काम करके फिर जाने वाली हूँ स्कूल, और सुबह सुबह इतना फास्ट फास्ट काम ही किया जाता है। थोड़ी मैंने स्पीड कर दिया, लेकिन फिर भी काम भाग भाग के करते हैं तभी पूरा हो पाता है। पहले मैंने वो कुकर में, जब आपने देखा होगा गैस पे, तो वहाँ पर मैंने दाल बना दी थी। तेजस को दाल बहुत पसंद है और थोड़ी बहुत दिव्या भी ले लेती है। उसके साथ मैंने रोटी और परांठे बना दिए। और फिर ये जो मशीन है, इसमें कपड़े सूख रहे हैं। उधर मैंने टॉयलेट में वो हार्पिक डाल दिया है ताकि स्नान करने जाऊंगी तब साफ कर दूंगी। और सुबह जल्दी 4:30 उठी थी तब मैंने कपड़े मशीन में डाल दिए थे, तो ये भी धुल गए हैं। अभी भी कपड़े और पड़े हैं, लेकिन वो फिर कल या शाम को दूंगी। तो कपड़े बीच में मुझे याद आ गए तो मैंने सुखा दिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है मैं कपड़े भूल जाती हूँ और फिर कपड़े काफ़ी यूँ सलवटों से भर के ख़राब हो जाता है। उसके बाद बर्तन भी मैंने काफ़ी धोए थे, लेकिन वो बर्तन कवर नहीं किए। अभी तेजस को पहले मैंने जूस पिला दिया और थोड़ा सा जो बच्चा था इसको अलग रखा है। और अब थोड़ा जो है बालकनी में पोछा लगाऊंगी। और ये वाला लाई, अभी तक मैं मॉप नहीं ला पाई हूँ, जो आप MOP जो बता रहे थे, वो वाला जो बाल्टी वाला बकेट वाला आता है। पता नहीं, कोई कोई चीज़ें ऐसी होती है जिसके लिए खर्चा कर ही नहीं पाते, मतलब बहुत सोचते हैं। और फिर जब मैं दुकान पे गई तो यही लेके आ गई, सस्ता वाला। सोचा बालकनी में तो इससे ही चल जाएगा, और अगर मॉप लाना होगा तो बाद में ले आएंगे और अंदर वो काम आ जाएगा। अभी एक बार ये ले आई तो सुबह सुबह फटाफट फटाफट बालकनी का ऐसे जो है इससे पोछा निकल ही जाएगा, तो ये रोज़ ही काम में ले लेंगे। अगर शाम को, कल मैंने कुछ भी नहीं किया था सफाई वगैरह, क्योंकि कल के ऑनलाइन का काम, जो वीडियो वगैरह का, ये व्लॉग वगैरह का था, वो सब किया था, तो शाम को कुछ भी नहीं किया था। बर्तन भी शाम के रखे पड़े थे, और वो कभी कभार रख देती हूँ जब ज़्यादा होता है और ज़्यादा थक जाती हूँ, तो फिर सुबह सारा काम होना था, तो उठते ही सारे कामों में ही लगी हूँ, बाकी कुछ भी नहीं किया। और जैसे ही मैं नहाकर, साड़ी पहननी थी लेकिन लेट हो गया, तो सोचा कुर्ता पहन लूँ, और कुर्ता देखा तो सलवटों से भरा हुआ था, क्योंकि शादी में घर गई थी उससे पहले यहाँ पर कहीं रखा हुआ था और थोड़ी बहुत इकट्ठा हो गया। और ये मैंने जो है अपना स्कार्फ पहले पहन रखा था सुबह काम में, लेकिन नहाते वक्त इसको धो के कुर्सी पे सुखा दिया तो सूख गया। और अब मैं जा रही हूँ, लेकिन ये सामने देखिए, जैसे ही मैंने कैमरा बंद किया है सामने से बस निकल चुकी। अब कैसे जाएंगे? तो मैंने क्या किया है, बस को पकड़ लिया है। कैसे पकड़ा है अब ये क्या बताऊँ। मैंने अगले स्टेशन पर जैसे ही रुकी, मैं वहाँ पहुँच गई, जैसे तैसे पहुंच गई। और फिर ये जो रास्ता है ना, ये स्कूल का रास्ता है, 6 किलोमीटर उस गांव से स्कूल है जहां पे मैं स्कूटी छोड़ती हूं। ये रास्ता बहुत अच्छा है, मतलब मॉर्निंग के अंदर घर का सारा काम करके आ गए, घर की जो टेंशन थी वो घर में छोड़ दी। और इसके बाद जो ये वाला रास्ता है बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। सुबह सुबह ताज़ी हवा गाँव की आती रहती है, और ठंडी हवा के साथ साथ स्कूटी के ऊपर ऐसे हवा खाते हुए थोड़ा गुनगुनाते हुए स्कूल पहुँचते हैं। तो ये बीच का 6 किलोमीटर का रास्ता मुझे इतना ज़्यादा सुबह सुबह पॉजिटिविटी देता है। आपका भी दिन के अंदर ऐसा कोई पल हो जो कि आपको बहुत अच्छा और पॉजिटिव लगे, तो आप शेयर ज़रूर कीजिए। स्कूल के वापस आने के बाद मैंने पोछे लगाए, मतलब पहले वो बालकनी में लगाया था, तो अब सोचा रूम में भी लगा देती हूँ। मैं स्कूटी पर कैसे रिकॉर्ड करती हूँ, ये वाला है मेरे पास, ये देखिए, इसको ऐसे कहीं टांग देते हैं और फिर ये कहीं पर भी मुड़ जाता है। ये देखिए, ये ऐसे मुड़ जाता है, तो ये वाला जो है इससे मैं स्कूटी पे फिक्स कर देती हूँ, और फिर यहाँ पे फ़ोन फिक्स करके फिर भले एक हाथ से थोड़ा बहुत यूँ कहीं मोड़ना हो तो मोड़ देती हूँ, बाकी इससे मैं जो है स्कूटी पे भी रिकॉर्ड कर लेती हूँ, जिससे कि हाथ दोनों ही मेरे जो हैं बिजी होने के बावजूद भी कोई ख़तरा नहीं होता है। और ये जो छत आपको दिख रही है, इसके ऊपर बारिश में कई कई दिनों तक पानी भरा हुआ रहा, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा खड्डा है, और जो नाला बनाया गया वो ऊपर की साइड बनाया गया, तो अभी मुझे ये काम भी करवाना है, बहुत जल्द शुरू करवाना है। तो हाँ, अब आते हैं मेन टॉपिक पे। आप जानना चाहते हैं कि YouTube की पहली जो इनकम है वो कितनी आई है, तो पहले यानी कि जून, जैसे जून शुरू हुआ था ना, उस टाइम मेरा जो है यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो गया था, मतलब कि जून शुरू हुआ था उससे 2 दिन पहले। इसका मतलब 1 जून को पहला जो है
जो पेमेंट था वो दिखा दिया गया था YT पे, और इसका मतलब ये हुआ कि पूरे जून जून में जितनी इनकम हुई थी वो हुई थी YouTube की पहली इनकम मेरी। अब आप जानना चाहते हैं कि फिक्स इनकम बता दो कितनी हुई है कितनी नहीं हुई है। वैसे तो मैं भी बहुत खुश हूँ क्योंकि अच्छी हुई है पहली बार में, पहले मंथ में अच्छी हुई है। आगे अब कम होगी तो होगी, और होगी भी कम, उतनी नहीं हो पाएगी। तो पहले मंथ की क्या है कि पहले मंथ हो या दूसरा कोई भी मंथ हो, यूट्यूब पे पूरी की पूरी इनकम फिक्स नहीं बताई जाती है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक ऐसा हिंट दूंगी जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि हाँ इतनी इनकम आई है। तो यहाँ पर हम ना डॉलर बता सकते हैं और ना ही डॉलर को रुपयों में कम कन्वर्ट करके फिक्स नहीं बता सकते। मतलब ऐसा सुना है यूट्यूब के रूल्स से, ऐसा सुना है, आप पता नहीं कुछ तो बता रहे हैं, उनको तो कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन नहीं बताए तो ठीक है, मैं नहीं बता रही, लेकिन फिर भी आपको पता चल जाएगा कि कितनी है। तो आपको जून की बता दूं, जून में ही वीडियो चलने लगे थे, उससे पहले भी चल रहे थे लेकिन इतने ज़्यादा नहीं चले थे। और जून की जो इनकम थी वो मैंने जब लास्ट जोड़ी तब मुझे अंदाज़ा तो लग गया था कि इतनी है, लेकिन फिर वेट करना पड़ता है 21 जुलाई की, क्योंकि 21-22 जुलाई को मैसेज आता है यूट्यूब की तरफ से कि अब आपका पेमेंट यहाँ से रवाना हो चुका है, और तब चेक किया मैंने जाके, तब जो है पता चला मुझे। और उससे पहले हमें जो है हम अंदाज़ा ही लगा सकते हैं, YT पे देख सकते हैं, लेकिन फिर भी जो है एडसेंस में तभी पता चलता है। तो 22 को मैसेज आया, उस दिन तो मैं घर पे थी, शादी में थी, तो मैं 3-4 दिन देख ही नहीं पाई थी, मुझे पता भी नहीं था कि कितने रुपए आएंगे। मैसेज आता है ना, जो मैसेज नहीं आता, ईमेल आता है, तो ईमेल में ये फिक्स लिखा नहीं होता कि कितने डॉलर वहाँ से रवाना किए गए हैं, वहाँ सिर्फ ये होता है कि आप जाके एडसेंस में चेक कीजिएगा आपके इतने पैसे आने वाले हैं। तो उसके बाद जैसे ही मैं शादी से फ्री हुई तब मैंने वहीं पे चेक कर लिया था, और चेक किया तब काफ़ी खुशी हुई कि अच्छी खासी इनकम है फर्स्ट मंथ की। लेकिन एक चीज़ और आपको याद होगी कि मैंने कहा था कि अगर, क्या कहा था मैंने, एक दो लोगों ने ऐसे कहा था, ज़्यादा ने नहीं कहा था, कुछ लोगों ने कहा था कि जो वीडियो बना रही हैं इस तरह की इसलिए बना रही है ताकि पैसे आ सके, व्यूज आ सके। कुछ लोग होते हैं ऐसे गिने चुने जिनको जो है किसी की प्रॉब्लम समझ नहीं आती और वो फिर उल्टे सीधे सवाल करते हैं, लेकिन वो शुरुआत में ही कुछ ही लोगों ने सवाल किए थे, फिर धीरे धीरे जैसे मेरी वीडियो देखने लगे उसके बाद उन्होंने कोई सवाल नहीं किए थे। और अब तो ऐसी स्थिति है कि कोई एकाध सवाल भी, कोई एकाध भी नेगेटिव कमेंट देखने को नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी मैंने कहा था कि मैं उनमें से वो जो नेगेटिव वीडियो है वो सेपरेट करूँगी, सेपरेट करने के बाद उनका जो भी बनता है इनकम, जो भी बनती है उनको अलग करके बता दूँगी इतनी इनकम है, और फिर एक पोल क्रिएट करूँगी। तो उस पोल में बता दूंगी कि भाई ये जो इतने पैसे हैं जो कि उन नेगेटिव वीडियो के आए हैं, और ये मैं कहीं पर भी किसी भी संस्था में, मंदिर में, जहां पर भी दान दे दूंगी, और फिर आपको जो है उसका सबूत दे दूंगी। ये बात मैंने पहले बोली थी, और अब मैं एक बार तब बोली थी ना जब भी लोगों ने कहा था कि ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक बार फिर से याद दिला रही हूँ। और आप लोगों में से अगर आप सब सहमत है तो मैं ऐसा पोल क्रिएट कर दूंगी, और फिर जो भी पैसे होंगे उसमें अगर 50% से ज़्यादा कहेंगे ना कि हाँ इनको आप दान कर दो, किसी को दे दो, तो फिर मैं दे दूंगी, और अगर 50% से कम अगर हामी हुई तो नहीं दूंगी। तो इस तरह जो है आप बता दीजिए ऐसा पोल क्रिएट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो आप जैसा कहेंगे वही करेंगे। ज़्यादा जो है इस बात को खींचने का मतलब नहीं है ऐसा कुछ भी, मैंने कोई व्यूज़ के लिए या पैसों के लिए वो वीडियोस तो खासकर बिल्कुल नहीं बनाए थे। तो चलिए अब बता देती हूँ कि पहले महीने की जो इनकम हुई थी वो एक टीचर की इनकम, टीचर कौन सा आपको बता दूँ कि थर्ड ग्रेड टीचर, अब बाकियों का तो पता नहीं, 2012 से 15 के बीच जो लगे हैं ना उनकी जो है परमानेंट होने के बाद जो इनकम है ना गवर्नमेंट टीचर की हमारे राजस्थान में, बार तो पता नहीं है, तो उतनी जो है इनकम आई है इस पहले महीने की जून की, और नेक्स्ट मंथ कम आएगी, इतनी नहीं आ पाएगी क्योंकि वो मैंने देख लिया है कैलकुलेशन करके इतनी नहीं हो पाई है, और हो सकता है कि फिर जुलाई तो चला गया, हो सकता है अगस्त की कुछ अच्छी आए क्योंकि अभी वाले सारे वीडियो बहुत अच्छे चले हैं।
और ये जो पहली इनकम हुई है, जो भी पैसे आए हैं, इसके सिर्फ और सिर्फ इसका श्रेय आपको जाता है। आप तब सब ने इतना सहयोग किया, आप सबने इतना सपोर्ट किया, उसके लिए मैं दिल से, तन से, मन से बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगी आपको। थैंक यू सो मच आप सबको कि आपने इतना जल्दी मेरे चैनल को सपोर्ट किया, ग्रो करवाया। और मेरा तो इतना ही है कि मैं सिर्फ वीडियो बना सकती हूँ, लेकिन उस पे व्यू आना वो मेरे बस की बात नहीं है। वो आप ही हो जो, अगर आप चैनल पर नहीं आते हो या फिर आप क्लिक नहीं करते हो, तो वो व्यू मेरे हाथ में नहीं है। इसलिए पूरा का पूरा जो है इसका जो है श्रेय मैं आपको देना चाहूँगी। और आप लोगों की वजह से ही इनकम हुई है, तो आपके साथ शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। तो पहली इनकम इतनी हुई है, मुझे लगता है मेरी जितनी आपको भी खुशी हो रही होगी, लेकिन अब भी वो मिलने वाली नहीं है मुझे, क्योंकि एडसेंस अभी भी मेरा अधूरा पड़ा है, पिन आए नहीं है, तो पता नहीं कितना टाइम लगेगा। हर वीडियो को पूरा देखते हैं और फिर जगह जगह से कमेंट आते हैं, मतलब अगर वीडियो पूरा देखा होता है तभी सारी बातें जो है कमेंट में क्लियर हो पाती है, वरना जो है शुरुआत के 2 शब्द लेके कोई भी कमेंट कर दे, ऐसा मेरे वीडियो पे बिल्कुल नहीं होता है। कई बार तो ज़्यादातर बार ऐसा होता है कि लास्ट का जो सीन होता है वहीं से बढ़िया सा सीन होता है, तो वहाँ से तारीफ या फिर कोई भी पॉइंट जो है कमेंट किया जाता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरा वीडियो पूरा 100% देखा जाता है, वो भी आपके द्वारा। तो क्या कहूँ, मतलब खुशी भी बहुत है। और एक सबसे बड़ी बात आपको बता, और एक मेन पॉइंट और भी आपको बता देती हूँ कि इस बार इतना जो राजकुंद्रा का जो हंगामा हुआ है ना, हमारे घर में भी है राजकुंद्रा, तो ये जो हुआ था ना, खास कर इस इनकम की वजह से ही हुआ। मतलब धुएं निकल गए, धुएं क्या करें, जब धुएं निकलते हैं तो ऐसा ही होता है, कुछ इनको हंगामा करो, है ना। तो इस वजह से जो है इतना सारा बवाल मचा था। मचा तो मचने दो, मैं जितना आपको लगता है ना कि मैं इतनी दुखी, इतनी परेशान हूँ, इतना मैं होती नहीं हूँ। मतलब जिस पल जो घटना होती है उस पल ही मैं जो है एग्रेसिव होती हूँ या गुस्सा आता है, उस टाइम जो कर देती हूँ, जो बोल देती हूँ कर देती हूँ। उसके बाद मतलब मैं उसके बाद तो जैसे रात को कुछ घटना हुई होती है तो सुबह नॉर्मल हो जाती हूँ, और सुबह हुई होती है तो शाम को नॉर्मल हो जाती हूँ। और मेरे साथ रहने वाले या मुझसे रोज़ मिलने वाले लोगों को पता ही नहीं चलता है कि इसकी लाइफ में कुछ उलट पुलट हुआ है, कुछ चल रहा है, मतलब क्या फेरा है। मैं इतना उसके लिए टेंशन नहीं करती, ये थोड़ी जो मेरी हेल्थ वगैरह डाउन रहती है ना, ये भाग दौड़ और मेहनत की वजह से है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि मैं 24 घंटे रोती रहती हूँ या पूरे दिमाग में मेरे ऐसी बातें चलती रहती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जितना आपको वीडियो में दिखती हूँ ना, उससे कई ज़्यादा गुणा मैं बिंदास रहती हूँ, बाई गॉड रहती हूँ। मतलब टेंशन के हिसाब से तो रहती हूँ, बाकी खाना पीना पता नहीं, इतना जो है अभी कुछ महीने से तो भूख भी नहीं लग रही, शादी से भी काफ़ी पहले, मतलब 20-25 दिन हो गए होंगे अच्छे से भूख नहीं लग रही, और उस वजह से काफ़ी हूँ इस बार वीकनेस फील हो रही है। और जब भूख नहीं लग रही है तो खाएं क्या, वो भी एक बड़ी समस्या बन जाती है। तो आप उस बात को लेकर ज़्यादा टेंशन ना लें, जब कोई घटना होती है तभी के लिए मैं रोती हूँ, उसके बाद उसका कुछ भी नहीं, दिमाग से निकाल देती हूँ, दिल से निकाल देती हूँ और अपने काम में लग जाती हूँ हाथों हाथ। और काम तो मैं अपना कभी बंद करती ही नहीं, किसी भी हालत में कोई भले कुछ कर दे, कोई कितना ही माथा पच्ची कर ले, कोई अपने भले कितने हाथ पांव मार ले, कितना भी अपनी कोशिश कर ले हराने के लिए, लेकिन हारने वाले लोग तो हम हैं नहीं, है ना, होंगे भी कैसे। हम इतने सारे जो हैं आप मेरे साथ हैं, मैं आपके साथ हूँ, फिर किसी एक से क्या डरना, क्या घबराना। अच्छा लगा आपके साथ ये सब शेयर करके, थैंक यू। तो अब फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।